राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से पायलट वर्सेस गहलोत की परिस्थितियां बनती जा रही है। एक बार फिर से सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, ऐसा सियासी घमासान सुनने में आ रहा है। और इन सब के बीच प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने भी आया है। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है, ग्राम पंचायतों के चुनाव की तरह नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को बम्पर वोट पड़ेंगे। 70% ग्राम पंचायतों में कांग्रेस विचारधारा के सरपंच चुनकर आएंगे, भाजपा का सौंपड़ा साफ हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सरकार के 2 साल में जो कामकाज हुआ है उससे जनता खुश है। आगामी नगर निगम चुनाव के साथ ही पंचायत और जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाले और पार्टी के प्रति समर्पित रहने वाले कार्यकर्ताओं को नगर निगम चुनाव में मौका दिया जाएगा। सचिन पायलट के बाद पीसीसी चीफ बने गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सभी 6 नगर निगमों के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एक को कोर ऑडिटर AICC की ओर से नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा प्रभारी मंत्री, निवर्तमान अध्यक्ष, सांसद प्रत्याशी, हारे और जीते हुए MLA इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पूर्व MLA, पूर्व विधानसभा और लोकसभा प्रत्याशियों के चयन में राय शुमारी की जाएगी। प्रत्याशियों के नाम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भेजे जाएंगे। गूगल ऐप पर भी संभावित दावेदारों के आवेदन लिए जाएंगे। कोई भी आवेदन गूगल ऐप पर अपना कर सकता है। PCC चीफ ने कहा, भाजपा ने प्रदेश में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय सिर्फ गहलोत सरकार को कोसने का काम किया है। हाथरस में जो घटना घटी उसे भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।